प्रयागराज से हैं गौरव जी, स्वागत है आपका। जी, आवाज जा रही है। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज जी। प्रश्न कर लीजिए। प्रश्न ये है मैडम कि सर को प्रणाम। जय हिंद, स्वागत आपका। सर हमको राइट साइड सर में बहुत तेज पेन होता है, इतना ज्यादा 2-3 दिन तक दर्द बना रहता है। ऐसा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है दाहिने साइड सर में, और आंखें जो है लाल हो जाती हैं, कुछ मतलब रोशनी देखने की इच्छा नहीं होती है, और अनबेरेबल दर्द होता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 28 साल। ये 7 सालों से जो है दर्द बना है। एलोपैथ और होम्योपैथ चुके हैं लेकिन आराम नहीं मिला है। कई डॉक्टर साहब बताते हैं माइग्रेन की समस्या है। देखिए, माइग्रेन की समस्या को हम कैसे जाने कि हमें माइग्रेन है कि नहीं है, तो उसको जानने का एक तरीका है कि अगर आपके सर में दर्द है और आप मामूली सरदर्द की दवा खाते हैं और उससे वो ठीक हो जाता है तो आपको माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन की तो विशेष दवाएं होती हैं जिससे आदमी इतनी तेज़ होती है कि आदमी बेहोश भी हो जाता है, कई कई दिन के लिए सो जाता है, पूरे दिन के लिए, पूरी रात के लिए सो जाता है। तो अगर आपको मामूली दवाओं से फ़ायदा हो जाता है तो ये माइग्रेन नहीं है बल्कि सर्वाइकल है, और अगर मामूली दवाओं से फ़ायदा नहीं होता तो ये माइग्रेन हो सकता है। मेरा एक सुझाव मानिए, ऐसे बैठिए मेरी तरह और ये रोज़ाना ये एक्सरसाइज करते रहिए। 3 मिनट तो ज़रूर करिए, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका ही फायदा है। और एक ही एक्सरसाइज ऐसे देखिए, पूरी घुमा दीजिए गर्दन, ठोड़ी को पकड़िए और यहाँ तक आ जाता है, देखिए ये भी 3 मिनट करिए या उससे ज़्यादा करिए। अगर आपको माइग्रेन है तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, और माइग्रेन नहीं है तो 15 दिन में इससे फ़ायदा हो जाना चाहिए। और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं, ये आप ले लीजिए और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दूध के साथ खाइए, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। हरियाणा से है हमारे साथ विद्या जी, स्वागत है आपका। जी बताएं, सवाल करें। पैरों में दर्द है, घुटनों में। घुटनों में दर्द है बहुत। हाँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 74 साल। 74 साल। कोई हमारा नुस्खा नहीं अपनाया अभी तक आपने? टीकेयर और ये सियागोल, कभी एडियो में चले जाता है, घुटनों में दर्द रहता है, ठीक, कभी पिंडियों में, कहीं कभी कहीं कमर में दर्द रहता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये दवाओं से ही दर्द कभी पैर में चला जाएगा, कभी टांग में आ जाएगा, कभी कमर में आ जाएगा। ये दवाएं हैं, जोर कर रही हैं दवाइयाँ, और ये एक दिन आप पूरे अच्छे हो सकते हैं। बस 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। एक तो आपको वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना है, जो कुर्सी वाला शौचालय होता है, और वज़न वगैरह नहीं उठाना। ये 2 बातों का ख्याल रखें। दवा 4-5 महीने लगातार खाएं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी।